गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौर्यवाला डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर हम पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर विशिष्ट लक्षण गल क्या बताए थे? यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना ये हम लोगों ने। हाँ जी, चलो बताओ। बॉडी पार्ट क्या होते हैं? जॉइंटेड क्या? लेग्स होते हैं। फाइन, फिर मेरे ख्याल से हम लोगों ने काइटिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, है ना? आप लोगों ने कॉकरोच देखा ही होगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे कॉमनली और सबसे क्लोजली आपने जो एनिमल ऑब्जर्व किया होता है वो कॉकरोच ही होता है। तो कॉकरोच को जब आप देखते हो तो वो ब्राउन कलर का जो ऊपर स्केलेटन दिखाई देता है वो बना हुआ होता है काइटिन का। दैट मीन्स काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती है हीमोसील एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सो आई गेस ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को है खुला परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में कोई डाउट? नहीं। चलो अपनी बॉडी के अंदर बता दो तो जरा मुझे, परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? इंग्लिश में बताओ मैम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। पक्की बात? फाइन। इनका जो ब्लड होता है बेटा वो होता है कलरलेस। इनका ब्लड कलरलेस होता है और ब्लड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो है हीमोलिम्फ। तो जब आप कॉकरोच को पैरागॉन से मार देते हो तो ऐसा नहीं होता कि उसका ब्लड बाहर गिर जाता है, ठीक है? उसकी बॉडी से एक फ्लूड बाहर निकलता है, वही उसका ब्लड है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है ना, वो जमीन पर भी पाए जाते हैं, हवा में उड़ने वाले भी होते हैं और पानी में तैरने वाले भी होते हैं। तो जहां पर भी वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनका रेस्पिरेशन भी अलग अलग होता है। आपके अंदर और मछली के अंदर कोई फर्क है क्या? फाइन, तो मछली क्योंकि पानी के अंदर रहती है तो उसका रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है, और हम क्योंकि एयर ब्रीदर है यानी कि हम लोग लैंड पे रहते हैं तो हमारे अंदर अलग तरह के रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब यहाँ रेस्पिरेशन के लिए तीन अलग अलग ऑर्गन्स हैं। फाइन, एक है गिल्स, दूसरा है ट्रैकिया और तीसरा है बुक लंग्स। गिल्स उन सभी के सभी आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाए जाएंगे जो एक्वेटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर प्रॉन, झींगा होता है, मछली नहीं कहेगा कोई उसे, वो झींगा है। हाँ, क्रस्टेशियन। तो वो जो झींगा होता है वो एक्वेटिक है। उसके अलावा काफी सारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होगा? वो होगा गिल्स से। फाइन, ट्रैकिया कॉकरोच के अंदर पाया जाता है और बुक लंग्स जो है वो पाए जाते हैं स्कॉर्पियन के अंदर, बिच्छू के अंदर। फाइन, नेक्स्ट, एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड पाई जाती है जिन्हें हम लोग बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड, और कई सारे आर्थ्रोपोड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सिमिलरली जो जहां पर रहता है वो उस तरह से एक्सक्रीट आउट करता है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी ये है कि इनके अंदर लार्वा पाए जाते हैं, ठीक है? तो जब आप एक छोटे कॉकरोच को देखते हो वो छोटा कॉकरोच नहीं है, वो उसका निम्फ है ना? आपने सुना होगा कि रेशम का कीड़ा होता है ना, सिल्क वर्म जिसे हम लोग बोलते हैं, वो रेशम का कीड़ा नहीं, वो रेशम का जो मौत है उसका लार्वा है जिसे हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं। तो इनके अंदर हमेशा जनरली लार्वा स्टेज पाई जाती है, और वो जो लार्वा है वो क्या करता रहता है? कंटिन्यूसली अपनी काइटिन की कवरिंग को रिप्लेस करता रहता है। जैसे अगर आप कॉकरोच को भी देखोगे, छोटा कॉकरोच देखते हो, जब वो छोटा कॉकरोच बड़े कॉकरोच के अंदर बदलेगा तो क्या होगा? उसकी जो एग्जिस्टिंग काइटिन का एक्सोस्केलेटन है वो रिप्लेस हो जाएगा। सांप को देखा है, सुना होगा, केचुली उतारता है ना? हमारी बॉडी से भी स्किन निकलती है, हालांकि उस तरह से नहीं निकलती जितनी सांप की निकलती है, बट यही चीज जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर पाई जाती है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मोल्टिंग या एग्डाइसिस। मोल्टिंग के ऊपर क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है,
वापस सुनो कि मोल्टिंग क्या है. अपनी एग्जिस्टिंग कवरिंग को उतार देना, ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रो, और फिर एक नई कवरिंग बना लेना, इज नोन एज मोल्टिंग. क्लियर है? अब जब मोल्टिंग पूरी हो जाती है और लार्वा फाइनली एडल्ट के अंदर बदलता है तो उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, हिंदी में बोलते हैं कायांतरण. क्लियर? तो अभी आपने देखा यहां पर ये हमारा एक वर्म है, दैट मीन्स कैटरपिलर, ठीक है, और ये वर्म आगे जाके बनाएगा एक मॉथ. तो इस वर्म से मॉथ बनने की जो जर्नी है उसे हम लोग बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस, ठीक है. तो अगर इससे पहले आपने कभी तितली के बारे में पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा, या कहीं डिस्कवरी में देख लिया हो कि तितली भी अपने प्यूपा से इसी तरह से बाहर निकलती है. तो वो जो पूरा का पूरा प्यूपा होता है उसको धीरे 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 अलग करती है और उसमें से निकल जाएगी, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस. क्लियर है? चलो अब यहां पर आपके पास में चार एनिमल है जिसमें से दो ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और दो ऐसे हैं जो कि खतरनाक है, ठीक है. तो ये ऊपर हाउस फ्लाई है, नीचे की तरफ आपके पास में है मॉस्किटो. तो हाउस फ्लाई जो है वो क्या बीमारी फैलाती है? किसका बीमारी पूछ रही? सीसी हाउस फ्लाई नहीं होता, सीसी फ्लाई होता है, हाउस फ्लाई. अच्छा, तो तुम लोग तो जनरली ऐसा करते ही होगे ना कि घर में खाना जो है वो खुला छोड़ देते होंगे और उसके ऊपर मक्खियां बैठती होंगी. तू भी खा मैं भी खाऊं, क्योंकि कोई बीमारी तो होने वाली है, तो जनरली आप लोग ऐसे ही करते होंगे ना. फाइन, चलो मच्छर से होने वाली बीमारियां बता. डेंगू, मलेरिया, भाई साहब थक गए हम तो. हाँ जी, चिकनगुनिया और ऐसे मत देखो मुझे कि तुम लोगों ने बीमारियां कभी पढ़ी नहीं है. जो नए स्टूडेंट है वो ऐसा मुझे देख सकते हैं, उन लोगों के लिए छूट है. वो मैम को ऐसे देख सकते हैं कि मैडम पढ़ाया तो है नहीं, क्या पूछते रहते हो. मलेरिया, डेंगू, वो तो उनको भी पता है. कुछ ऐसा जो मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे पढ़े लिखे जो है वो पहले से, कुछ बच्चे बैठे हुए जिन्होंने पहले भी पढ़ा हुआ है. हाथी पाँव कल पढ़ाया था ना, फाइलेरिया, क्यूलेक्स से फैलता है. एनसेफिलाइटिस, ये भी फैलती है. तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कॉमन सी चीजें हो गई. कुछ ऐसा अच्छा सा बताओ. चलो बच्चा, इन दोनों का काम बता दो. एक हनी भी है और दूसरा हमारा सिल्क मॉथ है. जैसे मैंने आपको बताया रेशम का कीड़ा नहीं होता है, ये हनी भी से हमको क्या मिलेगा? हनी मिल जाएगा, पॉलिनेशन के काम आता है, इंसेक्ट जितने भी होते हैं. फाइन, इस रेशम से तो हमको पता ही है कि रेशम मिलता है, और रेशम जो हमको मिलता है उसका केमिकल नेचर क्या होता है? प्रोटीन होता है. क्या बोलते हैं उसे? सिल्क फिब्रोइन. हनी के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? हनी के अंदर कौन सी शुगर पाई जाएगी? ये देखो, मेरे ख्याल से शायद आज ही न्यूट्रिएंट का एग्जाम था ना हमारा, फ्रक्टोज पाई जाएगी. हाँ, वो एक ही ने बोला ना, बाकी लोगों की आवाज नहीं आई मेरे तक. हो सकता है वो पीछे जो ट्रेस है ना वो खींच लेती है उस आवाज में, मेरे तक तो नहीं आ रही है क्योंकि. हाँ जी बच्चा, चलो, येलो फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, ये सब बीमारियां मच्छर से फैलती है, वेक्टर का काम करते हैं. जीका भी, बिल्कुल एग्जैक्टली. अब बताओ घरेलू मक्खी जो है हमारी, हाउस फ्लाई जो है, उससे क्या कौन सी बीमारी फैलती है? फूड पॉइजनिंग का नाम बताओ बेटा. फूड पॉइजनिंग तो एक कॉमन टर्म है, ठीक है ना. डायरिया, डिजेंट्री, कोलेरा, ये सब किससे फैलती है? हाउस फ्लाई से फैलती है. लिखो लिखो, लिखने की आदत क्या हमारी कम होती है ना, लिखते हैं ना वो मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है. कोलेरा, डिजेंट्री,
डायरिया, ये सब बीमारियां गंदा खाना और गंदा पानी पीने से होती हैं, ठीक है। उसके बाद में मच्छरों की डिजीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सारी लिखो। हनी, आपको पता है हनी मिलेगा, पोलिनेशन के अंदर मदद करेंगे, और सिल्क वर्म से हम लोगों को क्या मिलता है, सिल्क मिलेगा, ठीक। चलो नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि मैंने बताया कि सबसे बड़ा ग्रुप जो हमारे पास में एनिमल का आता है वो हमारा आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा के अंदर ही बहुत ज्यादा वैरायटी है हमारे पास में, ठीक। अब ये जो वैरायटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक कॉकरोच भी है आपके पास में, मक्खी भी है, मधुमक्खी भी है, तो ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा है। अब क्योंकि ये सब अलग अलग जगह रहते हैं या इनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग होती है, तो इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसा आप खाना खाओगे बिल्कुल वैसे ही माउथ पार्ट आपको नेचर देगी। सबसे पहले हम लोग आते हैं माउथ पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग। ये वो एनिमल होते हैं आर्थ्रोपोडा के जो काटते हैं और चबाते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर ग्रास होपर एंड कॉकरोच, ठीक है। तो अगर आप कॉकरोच को ले जाके बोलोगे कि अपनी बॉडी के ऊपर रखे कि आप मेरा खून पी ले, तो वो नहीं पिएगा। इसके पास में जॉज होते हैं तो वो आपको बाइट कर सकता है, बट वो आपका ब्लड सक नहीं कर सकता। तो इनके जो भी होते हैं, ग्रास होपर पता है सब लोगों को, देखा है किसका कैसे हो सकता है बेटा, अभी तो पढ़ा यहाँ की ब्लड कलरलेस होता है, ग्रीन कैसे हो गया, हरा रंग डाल दिया उस पे किसी ने, फिर ग्रास की वजह से, तो वो तो उसका, क्योंकि तुमने उसका क्या कुचल दिया ना, तो बॉडी के अंदर जो खाना खाया था ना बेचारे ने, वो निकल गया, खून कैसे निकल गया बेटा। चलो नेक्स्ट इज स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप के जितने भी एक काम करो, एक दो आउट राइट को चलो, तो कोई गो क्विकली ओके। तो जैसे हमको पता है हाउस फ्लाइज जो है वो मेजरली जो फूड होता है उसके ऊपर बैठती है, ठीक। तो इसके जो माउथ पार्ट होंगे बेटा वो इस तरह से बने हुए होंगे कि वो सॉलिड को भी खा सके। सॉलिड मतलब ऐसे नहीं है कि बिस्किट उसको दे दोगे तो वो खा लेगी, नहीं, सेमी सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फूड को बॉडी के अंदर ले सकती है। और इस तरह के जो माउथ पार्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप, क्लियर है। नाउ कमिंग टू दी साइफनिंग टाइप। अब आप अगर बटरफ्लाई को देखते हो या किसी मौत को देखते हो, किसी पतंगे को देखते हो, तो वो कौन सा फूड अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर सकती है, वो जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा और उसको बिल्कुल सक करते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, तो बिल्कुल वैसे, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइफनिंग टाइप। गुड, नाउ कमिंग टू दी मॉस्किटो एंड बग्स, मच्छर और दूसरे वाले जो कीड़े होते हैं जो हम लोगों को हम बोलते हैं कि बाइट करते हैं, फाइन। तो ये क्या करेंगे, सक तो करेंगे लेकिन उससे पहले हमारी बॉडी को पियर्स करते हैं। तो इनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, पियर्सिंग और सकिंग। तो जैसी जिसकी फीडिंग हैबिटेट वैसे ही उसके माउथ पार्ट। कॉकरोच के अलग होंगे, ऐसे मत सोचना कि एक कॉकरोच आपको दे दूं और एक मच्छर मैं आपको दे दूं तो दोनों एक तरह का खाना खाएंगे, क्योंकि वो दोनों आर्थ्रोपोड है, ठीक है। तो इस ये चारों के चारों एग्जाम्पल लिखोगे और उसके साथ में लिखोगे कि कौन से टाइप के माउथ पार्ट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बनाने की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखो और उसके आगे एग्जाम्पल लिखो।
डन। पिछले 10 मिनट से स्लाइड लगी हुई है, क्या कर रहे हो? ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल जिसे हम लोग बोलते हैं मोलस्का। एनिमल कहलाते हैं मोलस्क। ये एनिमल सॉफ्ट बॉडी होते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बॉडी होती है। अब सॉफ्ट बॉडी का एनिमल अगर पानी के अंदर रहेगा तो गल जाएगा, तो इससे बचने के लिए इनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं शेल, और ये शेल बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, आपने नदी या फिर समुद्र, नदी में तो देखे नहीं होंगे, समुद्र की बात करते हैं। बजरी देखी, बजरी yes, ma'am. है ना, बजरी के अंदर घर बनाया है कभी? उसके अंदर से सीपी निकाली है, छोटे बड़े शंख निकालते हैं ना, वो सारे शंख मोलस्का है। अब उसके अंदर एनिमल नहीं है तो घबराना मत कि उसके अंदर से कोई एनिमल निकल के आ जाएगा, इतना सा एनिमल है, वो ऑलरेडी उस शेल को छोड़ के चला गया। ठीक है, तो वो सारे शेल किसके बने हुए होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। इनके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनके अंदर जो ब्लड होता है वो होता है ब्लू कलर का, और उसका कारण है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन कौन बताएगा कि हीमोसाइनिन में और हीमोग्लोबिन में क्या बात कॉमन है? एज यूजुअल नो आंसर। कुछ आसपास? वो तो मैंने ही बता दिया, उसके अंदर नीला है, तुम्हारे अंदर लाल है, तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन है। कॉमन कॉमन नहीं, कॉमन चलो कॉमन बता दो। नहीं पता, कुछ नहीं। एक्टिवेटिंग अगर दोनों में सेम होगा तो फिर कलर क्यों चेंज होगा? इसमें कॉपर होता होगा, इसमें कॉपर होता होगा या कॉपर है? कॉपर है और उसमें अपन में गुड। सो आपकी बॉडी के अंदर है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का दो पार्ट होता है, एक होता है ग्लोबिन जो कि होता है प्रोटीन का बना हुआ, और दूसरा होता है हीम ग्रुप। मैंने आपको ये न्यूट्रिशन के अंदर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था कि हीमोग्लोबिन के लिए एक मेटल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो होता है आयरन। अगर आयरन नहीं होगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगी, एनीमिया हो जाएगा। जब भी हम एनीमिया की बात करते हैं तो 2 से 3 मेटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। वन इज आयरन, अनदर इज कॉपर, आज ही न्यूट्रिशन का टेस्ट था ना, और है उसी में से क्वेश्चन पूछ रहे हो। वन इज आयरन, सेकेंड इज कॉपर, थर्ड इज कोबाल्ट, भूल गए। चलो अब इसी के अंदर अगर मैं इस आयरन को हटा दूं और यहां कॉपर को लगा दूं तो आपका जो पिगमेंट लाल कलर का था वो पिगमेंट कैसा हो जाएगा? ब्लू। और उसी की वजह से जो ब्लड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, लिखो इसको, हीमोसाइनिन बिकॉज ऑफ कॉपर, ब्लू कलर का पिगमेंट है, रेस्पिरेशन के काम आता है, और इसी की वजह से जो ब्लड होगा वो होगा हमारा ब्लू कलर का। आर्थ्रोपोडा में तो कलर ही का है पिगमेंट, तो होगा ना पिगमेंट, होता पिगमेंट का मतलब ही कलर होता है। पिगमेंट होता तो फिर ब्लड का कलर नहीं होता। कहाँ पढ़ा अपन लोगों ने? आर्थ्रोपोडा के अंदर, एनिलिडा के अंदर पढ़ाए थे कल 4 पिगमेंट। ये देखो हालत देख लो इन लोगों की, शर्म की बात है भाई बहुत ज्यादा। चलो भाई ये एनिमल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो आप लोगों ने टीवी में देखे होंगे, असल में तो कुछ नहीं देखा होगा। फाइन, ये कौन सा एनिमल है पार्ट्स में बीच में? वेरी नाइस, ऑक्टोपस की खास बात बता दो मुझे। टेल कहाँ होती बेटा? मतलब ये टेल नहीं है, ये तो आर्म्स है, हेड एंड आर्म्स है। ओके, हाँ
तीन हार्ट होते हैं, तीन चेंबर होते हैं बेटा। लोअर एनिमल्स के अंदर हार्ट नहीं होता है, चेंबर कहाँ लिया है। हाँ, लोअर एनिमल जितने भी होते हैं ना, उनके अंदर ट्रू हार्ट, ट्रू ब्रेन, ये सब एब्सेंट होता है। हार्ट ही नहीं है, चेंबर कहाँ से आ गए। चलो और कुछ सर, आपको दिखाई दे रहा है ना बड़ा सा, उसके अलावा आर्म्स दिखाई देती, कितनी आर्म्स होती है, आठ, इसलिए ऑक्टोप्लस बोलते हैं। अच्छा और ओके, चलो चलो रुको 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 रुको, पांच मिनट रुको, एक दो तीन चार पांच, पांच एनिमल मैंने आपके सामने लगाए हैं, तो ये पांचों में से इसके अंदर ऐसा क्या है जो मैंने इसको सेंटर में लगाया है। ये एकमात्र ऐसा मॉलस्क है बेटा जिसके ऊपर शेल नहीं है, दिख रहा है क्या इसके ऊपर कहीं कवच नहीं। अगर मैं उसमें बताऊं, इसमें बताऊं, इसमें बताऊं, इसमें बताऊं, एनिमल देख रख रहे हो क्या, नहीं, एनिमल बेसिकली इसके अंदर है। ऑल यू कैन सी इज देयर शेल। ये ऑयस्टर है जिससे बनता है मोती, और इसके ऊपर आया हुआ है क्वेश्चन कि पर्ल जो है उसको जब हार्वेस्ट करते हैं तो किसको हार्वेस्ट करते हैं, इस ऑयस्टर मॉलस्क को हार्वेस्ट करते हैं, मोती बनाते हैं ना। अब इसके भरोसे रहेंगे तो इसे जीवन में एक मोती देगा, तो क्या किया जाता है, जैसे लोग मछली पालते हैं है ना, वैसे ही पर्ल को हार्वेस्ट किया जाता है, वहां खूब सारे ऑयस्टर पाले जाते हैं और इनसे मोती का प्रोडक्शन करवाया जाता है। ठीक, ये बेटा एक काइटन है, इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सी माउस, समुद्री चूहा। ओके, ये है आपका यूनियो एंड दैट इज पाइला, जिसे हम लोग स्नेल या घोंगा भी बोलते हैं। तो अगर कभी किसी ने घोंगा देखा हो तो घोंगा इसके अंदर है, अपना फुट बाहर निकालेगा और चलेगा, हमेशा और हमेशा इसी के अंदर रहेगा। ये हमारा जो ऑक्टोपस है, इसकी एक और खास बात होती है, जब भी इसे कहीं पर भी डॉच करना होता है या एस्केप करना होता है तो इसके पास में एक बहुत स्पेशल ग्लैंड होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इंक ग्लैंड। तो एक्चुअली में वो इंक नहीं निकलती जिससे हम लोग लिख रहे हैं, बट एक ब्लैकिश ब्लू कलर का एक केमिकल निकलता है, उसे पानी में छोड़ता है और यहां से भाग जाता है। जब भी इसे एस्केप करना होता है तब ये इंक ग्लैंड से क्या करता है, इंक को छोड़ता है और उसके बाद में वहां से निकल जाएगा। क्लियर है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से याद करना, ऑक्टोपस को। मतलब ऑक्टोपस के बाहर क्या कर, नहीं उसके, नहीं वो इंक नहीं है, केमिकली वो इंक नहीं है, वो एक केमिकल है जो कि ब्लैकिश ब्लू कलर का होता है। एक्चुअली में वो इंक नहीं है जो हम लोग पेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो एक डिफरेंट केमिकल है। ये तो इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके फाइन, लास्ट इकाइनो डर्मेटा। इकाइनो डर्मेटा के जितने भी एनिमल्स होते हैं दे ऑल आर स्पाइनी स्किन्ड। इकाइनो का मतलब होता है चुभने वाला, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, तो इनकी स्किन हमेशा और हमेशा चुभने वाली होती है। चाहो तो कभी समुद्र के अंदर तुमको तारा मछली मिले तो उस तारा मछली को, हाँ स्टार फिश, उसको हाथ में उठा लेना, पता चल जाएगा तुमको। फाइन, ये सारे के सारे मैराइन होते हैं, कोई फ्रेश वाटर के अंदर नहीं पाया जाता, और इनकी खास बात होती है ये सारे के सारे कार्निवोरस होते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये होती है कि ये खाने को बॉडी के अंदर नहीं लेते, अपनी बॉडी को खाने के ऊपर डाल देते हैं। आपने स्टार फिश कभी टीवी में देखी है, बिल्कुल फ्लैट होती है, और बड़ा बड़ा स्नेल जो है वो खा जाती है। कैसे खा जाती है, उसको ओपन करती है और अपना पूरा का पूरा बॉडी या डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ऊपर डाल देती है, डाइजेस्ट करती है और फिर डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है। इनके अंदर एक बहुत स्पेशलाइज सिस्टम पाया जाता है जो होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, इनको मदद करता है लोकोमोशन के अंदर, यानी कि चलने में। फाइन, जितनी भी हमारी स्टार फिशेज होती हैं, हालांकि मिस नॉर्मल है, फिश नहीं है ये, फिश की कैटेगरी अलग होती है,
जितनी भी स्टार फिश होती हैं उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, आप ऐसे बोल सकते हो सबसे ज्यादा होती है। तो एक स्टार फिश लिया आपने, उसको दो या तीन टुकड़ों में भी काट दिया, हर एक पीस जो है वो एक नई स्टार फिश बना लेगा। ये देखो, ये सारे के सारे हमारे इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स हैं वो, दिस इज एंटीडन, इसे बोलते हैं इकाइनस। जैसे आपको यहां पे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ऐसा लगेगा पूरा का पूरा कांटों से ही बना हुआ है। दिस इज योर स्टार फिश, और ये मिलता जुलता स्टार फिश से है हमेशा, और हमेशा इनके अंदर यही सिमेट्री पाई जाती है। और ये है आपका सी क्यूकुम्बर होलोथ्यूरिया। समुद्री खीरा, लिखा डन। चलो अब तीन एनिमल के नाम लिखो मेरे लिए। एक लिखो सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, ठीक है। सिल्वर फिश आपने कहाँ देखी होगी वो मैं बता देती हूँ। हमारे पुराने कपड़े या किताबें जो होती है ना उनके अंदर बहुत छोटी सी फिश हमको नजर आती है, पानी नहीं है इसलिए फिश नहीं है, चलती हुई ऐसे हम लोग बोलते हैं कीड़े, किताबी कीड़ा है, बुक वर्म है, दैट इज सिल्वर फिश। नाउ सिल्वर फिश बेसिकली इज अ आर्थ्रोपोड, तो वो फिश नहीं है। लिखो सिल्वर फिश, देखिए ना अब समझ में आ गई, किताबों के अंदर कपड़ों के अंदर दिखती है, वो किताबें जो बहुत साल तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं होती ना, इसलिए किताबें तो है ना आप लोगों के पास पे, या सब चीजें ऑनलाइन हो गई है किताबें, बस वो बहुत पुरानी जो किताबें ना उनको देखना उनमें से निकलेगी। ब्लैकिश नहीं, सिल्वर कलर की बेटा, इसलिए सिल्वर फिश बोलते हैं। ब्लैकिश भी तो आता है छोटे छोटे, सिल्वर सिल्वर कलर की, और हाथ में नहीं आती, इधर से उधर निकलती रहती है, छोटी छोटी सी होती है। फाइन, नेक्स्ट लिखो कटल फिश, कटल फिश नाम सुना है टीवी पे देखिए कटल फिश। चलो कटल फिश जो होती है बेटा वो मोलस्का की मेंबर है, अगेन फिश नहीं है। तीसरी फिश लिखो स्टार फिश, तारा मछली, दैट बिलोंग्स टू इकाइनोडर्मेटा, अगेन फिश नहीं है। चौथा जिसे आप बोलते हो झींगा मछली, प्रॉन, आर्थ्रोपोड है, फिश नहीं है। अभी मैंने ऐसे क्यों लिखवाया ना आप लोगों को नाम, इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि एनिमल की कैटेगरी के अंदर इन सब में से ट्रू फिश कौन सी है। तो जब मैं ट्रू फिश पढ़ाऊंगी तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके साथ में प्रोबेबिलिटी क्या है कि कौन सी और चीज आपको दे देंगे। तो उनके नाम आएंगे जिनको हम लोग जनरली फिश बोलते हैं बट वो फिश नहीं है। क्लियर है? चलो तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था वो कवर होता है, दैट मीन्स हम लोगों ने सारे नॉन कॉर्डेट्स जो है वो पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है, मेरे लिए एक बहुत छोटा सा काम करना है, क्या है ना मेरे पास में बहुत सारा काम है, तो आप क्या करके लेकर आओगे? आपको मैंने कितने ग्रुप्स पढ़ा दिए, शुरू करो तो प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ था है पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइन ग्रुप्स है, नाइन है, नाइन ग्रुप्स है। चलो तो अब आपको क्या करना है कि मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको असाइन करके लेकर आना इन नौ ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और वो चीज है सिमेट्री, ठीक है, बहुत इजी है, दो सिमेट्री है। आप क्या करोगे ग्रुप वाइज उसको डिवाइड करके लेकर आ जाना, मैम मेरे हिसाब से इस ग्रुप के अंदर ये सिमेट्री होनी चाहिए, है ना। पहले समझो कि सिमेट्री होती क्या है, कोई बताएगा सिमेट्री क्या होती है? सममिति, हाँ, किसी
किसी को दो टुकड़ा में दो बराबर होते हैं बराबर टुकड़ों में काटे कहीं से भी बीच में से और कोई मेरे हिसाब से सेगमेंट टाइप सेगमेंट टाइप और कोई सिमेट्री और किसी को पता है क्या सिमेट्री बराबर टुकड़ों में काटे वो तो उसने बता दिया नहीं सिमेट्री जो होती है बेटा वो बॉडी को डिवाइड करने की टेक्निक होती है द एंगल द एक्सिस जिससे आप किसी भी एनिमल को या प्लांट को डिवाइड कर सके क्योंकि हम एनिमल पढ़ रहे हैं तो हमें अभी सिर्फ और सिर्फ एनिमल पे ध्यान देंगे ठीक अब ये सिमेट्री दो तरह की होती है बहुत ईजी है अगर आपको मैं एक पिज्जा दे दूं, ठीक है और मैं आपको बोलूं बेटा पिज्जा को दो हिस्सों में काटना है दो हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए नॉट इक्वल मिरर इमेज होने चाहिए मिरर इमेज समझ में आता है क्या होता है मिरर इमेज होना चाहिए ठीक तो आप इस पिज्जा को कितने एंगल या एक्सिस से काट सकते हो इनफाइनाइट कितने भी एंगल से काट सकते हैं हम लोगों ने सबने पिज्जा तो खाया ही है ना भाई भूख लग रही है खा लो फिर तो जब हम किसी एनिमल को किसी भी एक्सिस से काटे और हमें उसकी मिरर इमेज मिल जाए यानी दो हिस्सों में काटे और हमें उसकी मिरर इमेज बन जाए तो हम उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री क्लियर है रेडियल सिमेट्री इज दैट तो आप क्या करोगे कि पिज्जा को ऐसे काटोगे तो भी दो टुकड़े हो जाएंगे ऐसे काटोगे तो भी दो टुकड़े हो जाएंगे और दोनों बनने वाले जो है वापस सुनो इक्वल नहीं मिरर इमेज बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेडियल अब ये है आपके पास में इसे काट के बताओ एक मेथड सिर्फ एक ही एक्सिस से काट सकते हैं तो इसे हम बोलेंगे बाई लेटरल बाई का मतलब होता है टू लेटरल का मतलब होता है पार्श्व से काटना ठीक तो अब मुझे पिज्जा को काटना है तो मैं ऐसे काटूंगी और अगर मुझे तुमको काटना है तो मैं ऐसे काटूंगी तभी जाके मुझे मिरर इमेज मिलेंगे है ना मुझे तो मिरर इमेज चाहिए तो मिरर इमेज इस तरह से मिलते हैं तो आपके पास में बेटा 9 ग्रुप्स हैं ठीक घर जाके थोड़ा सा दिमाग लगाना और आप मुझे आके कल ये बताना कि मैम ये वाला ग्रुप जो है इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है और ये वाला ग्रुप है जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री हो सकती है गलत हुआ तो भी चलेगा पर गलत अगर किया है तो उसका लॉजिक भी मुझे देना कि मैम क्यों मैंने बताया कि इसके अंदर रेडियल है और इसके अंदर बाइलेटरल है बस इतना सा काम करना है कर लोगे पक्का चलो अब यहाँ पर एक चीज और पढ़ लेते हैं बॉडी की लेयर्स फाइन तो जब भी हमारी एनिमल की किसी की भी बॉडी बनती है तो जनरली हमारी बॉडी जो है वो दो लेयर से मिलकर बनती है और आगे जाके जब हम हायर एनिमल यानी हम तक पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर तीन लेयर होती है इन तीनों लेयर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा जर्म लेयर फाइन और ये कुछ इस तरह से होती है एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म सो व्हाट दे आर इज सुनो पहले जब भी आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन बनने शुरू होते हैं है ना तो एक आपका दिमाग है और दूसरा आपका दिल है इन दोनों का जो ओरिजिन है वो अलग अलग जर्म लेयर से है आपका दिमाग एक्टोडर्म से बनता है और आपका दिल आपकी किडनी ये सब मीजोडर्म से बनती है तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गन है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बने हैं अब उन लेयर्स के अंदर ऑर्गन्स के अंदर हमको नहीं जाना है हमको क्या करना है ये देखना है कि कोई भी ग्रुप जो हम लोग पढ़ते हैं अभी तक जो 9 ग्रुप पढ़े उसमें से वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है इजी जिसके अंदर सिर्फ दो लेयर पाई जाएंगी और वो दो लेयर हो जाएंगी एक्टो
और एंडो, तो हम उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। और जिनके अंदर तीनों लेयर्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपने ग्रुप्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी हम सीडीएस की बात करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन सिमेट्री और इन लेयर से भी पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप सिमेट्री याद करोगे वैसे ही इनकी लेयरिंग भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो लेयरिंग एक साथ में लिख लूँ। पहले 9 के 9 ग्रुप लिखो, फिर मैं लेयरिंग लिखवा देती हूँ उनकी, वो आपको नहीं लिखनी, मैं लिखवाऊंगी। प्रोटोजोआ से शुरू करो बेटा, प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा सबके नाम लिख लो, सीरीज में लिखना। लिख लिए, लिखो, चलो, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज, ठीक है, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। बस दो ही जगह आपको लिखना है, फिर तीसरी तो कॉमन हो जाएगी। सबसे पहले प्रोटोजोआ की बात करते हैं, नो लेयर, कोई लेयरिंग नहीं है। क्यों नहीं है? यूनिसेल्यूलर, बिकॉज इट इज अ यूनिसेल्यूलर, वेरी नाइस, कोई लेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉरीफेरा, डिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिलेंट्रेटा, डिप्लोब्लास्टिक। नाउ प्लेटी हेलमेंथीज से लेकर इकाइनोडर्मेटा, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। इजी, कैसे याद रखना है वो मुझे नहीं मालूम, पर याद रखना है। तो सिमेट्री आप उसकी कल मुझे बता देना, उसके आगे ये सब जरूर लिख देना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और कौन सी सिमेट्री। इतना काम हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा बिजी तो नहीं हो? ठीक है, चलो फिर कल का होमवर्क देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।